तीसरे दिन तैयार हैं, अभी मंडी दीप के बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं भोपाल के लिए, बस के लिए, जिसके लिए हम पीपल मोड़ पे जा रहे हैं। तो बस हमें मिल चुका है, बस के सफर के लिए हम तैयार हैं। तो अभी हम रास्ते पे हैं और जल्दी पहुंचने वाले हैं पीपल्स मॉल। बस काफी देरी से चल रहा है तो हमें रास्ते में ट्रैफिक का इंतजार करते हुए हम निकल चुके हैं। तो हम फाइनली पीपल्स मॉल पहुंच चुके हैं। ये पीपल्स मॉल के बाहर का व्यू है और आने में काफी देर हो गया, अभी हम लोग एंटर करने वाले अंदर। और यहाँ बहुत सारे 3-4 गेट हैं, तो हम फाइनली अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर चलता हूँ और बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। बहुत कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आपको अच्छा लगेगी वीडियो। बाहर से आते ही आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, सो आप बाहर से जैसे ही अंदर की एंट्री करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। तो अंदर चलते हैं। कुछ पीपल्स मॉल में ऐसे डिजाइन्स बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं, कुछ डरावने तरीके के। दिखने में तो ये पूरे फॉरेन कंट्री जैसे लगता है। और हम यहाँ तक फ्री में तो आ चुके हैं, लेकिन आगे हमको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ बस मुफ्त में दिखाने के लिए बस इतना ही है, आगे हमको अच्छे से देखने के लिए हमको टिकट लेना पड़े। इस जगह को हम दुनिया का 7वां अजूबा भी कह सकते हैं, और 7वां अजूबा है भी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ, दुनिया भर से लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ। तो हम एंट्री गेट पे पहुँच आए हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से एंट्री गेट बनाया गया है, जिसको हम टिकट काउंटर भी बोल सकते हैं। तो हमें आगे जाकर टिकट लेना पड़ेगा। तो हम टिकट काउंटर पे पहुंच चुके हैं और टिकट लेकर अंदर चलते हैं। तो हमने पैसे निकाल लिए हैं और टिकट कटवा लेते हैं। तो हमको 4 टिकट कटवाने हैं, जो कि अपने दोस्तों का भी है। तो हमने टिकट कटवा कर, टिकट दिखा कर और अंदर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको पूरी दुनिया देश घुमाने वाले हैं, भोपाल के भोपाल में। इस पीपल्स मॉल में हमको दुनिया भर के 7 अजूबे देखने को मिलते हैं, जो दूर दूर से लोग आकर देखते हैं। तो हम आ चुके हैं आगरा, और आगरा में आपको ताजमहल दिखाते हैं। तो कितना सेम बना है वो आगे चल के देखते हैं। चलिए आगे हम अंदर चलते हैं और सामने का व्यू देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारे जस्ट सामने ही ताजमहल दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों? आप लोगों ने आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ ताजमहल भी है और दिल्ली का लाल किला भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ये छोटा ताजमहल, जो कि पीपल्स मॉल में है। ऑलमोस्ट आप आगरा जाकर ताजमहल देख सकते हैं, लेकिन आगरा जाकर आपको बहुत महंगा टिकट लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको 60 रुपीज में देखने को मिल जाता है। देखिए कितना सुंदर ताजमहल है, जिसके करीब हम जाते हुए तो इतने करीब से तो हम पहली बार देखे। तो चलिए बगल की ओर चलते हैं, और काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। बहुत भीड़ लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो चलते हैं अगले ट्रिप की ओर, और हम निकल चलते हैं। आपको यहाँ एक बात बहुत ही खूबसूरत दृश्य चारों साइड देखने को मिलता है। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं दिल्ली का लाल किला और आगरा से हम डायरेक्ट निकल चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में हम लाल किला के पास पहुंच चुके हैं। और देखिए रेड फोर्ट लाल किला कितना सही लग रहा है। ऑलमोस्ट हमारे गांव के लड़के कहीं घूमने जाते नहीं, तो पहली बार यहां आए तो बहुत ही फोटो खींच रहे हैं कि सबको दिखाएं। ये वही जगह है जहां मोदी जी खड़े होकर स्पीच देते हैं। और ये देख सकते हैं कि बाहुबली के सेट की तरह यहाँ कुछ बना हुआ है। ऑलमोस्टली क्या बना है ये नहीं पता हमको, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, चारों साइड खूबसूरतियों का भंडार है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सो हम लोग पेरिस में लैंड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं आर डेट टाइम्स, और ये बहुत फेमस गेट है पेरिस का। जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट फेमस है, ऐसे ही पेरिस में ये गेट फेमस।
और ये हमारे सामने आईफिल टावर। पेरिस में एक टावर है जो हम आपके लिए 1+1 का ऑफर लेके आए हैं। तो भोपाल जाइए तो इंजॉय करिए, भोपाल के भोपाल में ही पूरे 7 अजूबों में से एक है। और ये पता नहीं क्या बना है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है चारों दिशाओं की तरफ। तो सो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम चाइना और हमें अभी बहुत चढ़ाई पार करना है ग्रेट फॉर चाइना में, और सीढ़ियों में काफी डिस्टेंस है। यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा ऊपर तक हमको जाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर आ चुके हैं ग्रेट फॉर चाइना के ऊपर। और यहाँ से आपको पूरे सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। और पीछे हमारे बाहुबली का सेट बना हुआ है, और ये पीछे ताजमहल, और ये अपना रेड फोर्ट लाल किला। और हम चलिए नीचे चलते हैं। तो अभी हम लोग हैं ताजमहल के जस्ट पीछे। तो दोस्तों, हम लोग सीधे चाइना से आ चुके हैं मुंबई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम लोग ताज लैंड होटल के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जो कि मुंबई का काफी फेमस होटल है। ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, सारे के सारे डिजाइन असली होटल जैसे हैं। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं और भी घूमने वाले जगहों पे चलते हैं। तो हमारे स्विमिंग पूल है और ये काफी अच्छे सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारा फ्रेंड काफी छोटा है हाइट में, इसलिए हम उसको उठाकर घोड़े के ऊपर बैठाकर उसका फोटो खींचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग सीधे अमेरिका आ चुके हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाई दे रहा है, तो क्यों भाई, ये तो कहीं पे भी नहीं चढ़ पाता, तो इसको हमको फिर से चढ़ाना पड़ेगा ऊपर। मस्ती मजाक करते हुए अभी अब मॉल के अंदर शॉपिंग करने का टाइम। तो आखिरी का दृश्य देखकर हम लोग निकलने वाले हैं। बड़ी लंबा है यार, घूमते रुका दीजिए तो मंदिर तक चली। आप अगर भोपाल आए तो इस जगह पर जरूर आए, बहुत ही अच्छे तरीके से 7 अजूबों का दृश्य देखने को मिलेगा और यहाँ आकर दिल पूरा खुश हो जाएगा। चलो इस हम लोग सब देख चुके हैं, इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं कहीं और घूमने। तो जाएंगे शायद न्यू मार्केट कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए कोई भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम चलिए निकल रहे हैं अब घर की ओर।